सोलापुर शहर के हजरत सैयद शाह जहूर वली रहमतुल्ला अलैही का कल से उरू शुरू। सोलापुर शहर और जिले के मशहूर मारूफ हस्ती हजरत सैयद शाह जहूर वली रहमतुल्ला अलैही इनका सालाना उरूस कल शनिचर से शुरू होने जा रहा है। हजरत सैयद शाह जहूर वली रहमतुल्ला अलैही इनका वाकिया 1000 साल पुराना है। आप एक सच्चे वली थे, लोगों को दीन की दावत देना और अल्लाह उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना उनकी खिदमत रही। आप यमन से इराक ईरान होते हुए यहां पर तशरीफ लाए। आपके दरगाह शरीफ में बड़े से बड़े मुगल बादशाह जैसे अदिलशाही, कुतुबशाही और औरंगजेब वगैरह सल्तनत के राजाओं ने हाजिरी दी है। इतिहास में बहुत बड़ा आपका किरदार रहा है। बहुत सारे लोगों को हजरत सैयद शाह जहूर वली रहमतुल्ला अलैही की असली तारीखी मालूमात नहीं है, फिर भी हमारे चैनल से सही तारीखी की खोज जारी है। आने वाले सनिचर से इनका सालाना इजलास प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तारीख 26 अगस्त 2023 यानी कल बरोज सनिचर के दिन बाद असर दरगाह शरीफ में बेसन रोटी का प्रोग्राम होगा। 27 अगस्त बरोज इतवार बाद मगरीब जुलूस संदल दरगाह शरीफ से रवानगी और रात 10 बजे वापसी। उसी रात दरगाह शरीफ में महफिल समा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जेरे निगरानी हजरत सूफी अब्दुल वहाब सिलसिले चिश्तिया के निगरानी में प्रोग्राम होगा। 28 अगस्त बरोज पीर बाद नमाज ईशा दरगाह शरीफ में खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद चिश्ती साहब किबला मुंबई इनका ईमान अफरोज बयान होगा। 29 अगस्त बरोज मंगल बाद फजर कुरान खानी बाद मगरीब लंगरे तकसीम बाद नमाज ईशा महफिले नाते फैजान अहले बैत फाउंडेशन की जानिब से होगा। लिहाजा इस अजीमो शान प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। इसी तरह का ऐलान दरगाह शरीफ के खादिम खलील अहमद अब्दुल लतीफ कादरी मतीन सैयद अहमद कादरी इन्होंने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट जम जम न्यूज इंडिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खलील अहमद कादरी शाहजहूर दरगाह शरीफ का ट्रस्टी हूँ, सदर हूँ। हज़रत शाहजहूर कादरी रहमतुल्लाह ये यमनी है। आप यमन से यहाँ आए थे, हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान से आप सोलापुर आए और यहीं पे मुकाम हो गए। अब उनका जो है ना उस शरीफ के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। 26, 27, 28, 29 शनिचर इतवार पीर मंगल ये चार दिन प्रोग्राम्स रहते हैं। पहले दिन बेसन रोटी पर फातिहा खानी होती है असर के बाद और तबरुक तकसीम होता है। दूसरे दिन संदल शरीफ है जो सुबह या जो शाम में 7 बजे दरगाह शरीफ से निकलकर मखसूस जगहों से निकलकर रिटर्न 10 बजे 10:30 बजे तक दरगाह शरीफ पहुंचता है। तीसरे दिन चरागाह है और मौलाना बॉम्बे के मौलाना है और मौलाना का बयान होगा इंशाअल्लाह। और चौथे दिन लंगर शरीफ है जो आम दावत है लोगों को। तो इस तरह से हजरत का उर्स मनाया जाता है। तकरीबन 800-850 साल का अरसा है, उसी वक्त से ये उर्स शरीफ मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। हजरात बड़ी मसर्रत और शादमानी के साथ खुशी के साथ ये ऐलान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हुजूर शहंशाह सोलापुर सैयदना सरकार सैयद शाह ज़हूर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स बहुत ही अनकरीब है।
यानी 26, 27, 28, 29 चार रोज़ा, जैसा कि हमारे दरगाह के खादिम व ट्रस्ट आली जनाब खलील अहमद अब्दुल्लतीफ़ साहब कादरी ने बयान दिया। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन प्रोग्राम की तरतीब है और प्रोग्राम की तरकीब है। इंशाअल्लाह इसमें तमामी हजरात से मुअद्दबाना तमाम आशिकान औलिया शहर शोलापुर से गुजारिश है कि वो बारगाह शहंशाह में उर्स की तकरीबात में तशरीफ़ लाएँ और साहिब मदार के फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाएँ। अभी जो हमें बताया कि मौलाना का नाम पेश कीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उर्स का तीसरा दिन जो जश्न चिरागा का दिन है बरोज़े पीर 28 तारीख़ है, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाज़ो बयान करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद साहब चिश्ती बम्बई घाट के ऊपर बम्बई से तशरीफ़ लाए, जिनका नूरानी व इरफानी बयान 9 बजे से इंशाअल्लाह ताला यानी बाद नमाज इशा होगा। गुजारिश है कि तमाम प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर साहिब मदार के फ़ुयूद व बरकात से माला माल हों।